हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए कच्चे केले की रेसिपी। इसके लिए हम केले को छील लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे केले छील लिए। ये हमने सारे केले छील लिए और ये हम इसकी छिलकी नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये भी काम आएंगे। हमने जो केले छीले थे उनको अच्छे से घिस लेंगे। ये देखिए गाइस, लगभग हमने सारे केले छील लिए। अब इसको छीलने के बाद गाइस हम गैस स्टोव पे कढ़ाई रखेंगे, उसको गर्म होने देंगे और उसमें फिर सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। फिर हमने इसमें जीरा डाल दिया। अब हम थोड़ा जीरा को भूनने देंगे। अब हम इसमें मिर्च डालेंगे। अब जाएगा गाइस इसमें प्याज। मैंने दो बड़े कटे हुए प्याज लिए, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम उसको मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये लगभग लगभग गोल्डन ब्राउन हो गए गाइस। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने घिस के रखा था, वो कच्चा केला हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसमें नमक डालेंगे गाइस स्वाद अनुसार, जितना भी आप नमक खाते हैं। इसमें थोड़ा जाएगा हल्दी। थोड़ा सा इसमें मैगी मसाला डालेंगे टेस्ट के लिए। ये मैगी मसाला का पैकेट हमने काट लिया, अब हम इसको उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाइस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो गया गाइस, इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। आटा गूंदना गाइस, तो हमने ले लिया आटा। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। इस आटे का हमको डो बनाना है गाइस, ध्यान दीजिएगा। डो आपका सॉफ्ट रहना चाहिए। देखिए आटे का डो बन गया और ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये, आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर हम इसको अब छोटे छोटे रोटी में बेलेंगे, रोटी जैसे बेलेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना गाइस, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। ये हमारा हो गया रोटी बनके तैयार। अब हम लेंगे गुजिया बनाने वाला सांचा। ये गाइस गुजिया बनाने वाला मोल्ड है। अब हम इसके ऊपर वो जो हमने रोटी बनाया है वो रखेंगे और इसके अंदर जो हमने कच्चे केले का बनाया था स्टफिंग वो डालेंगे। हमने थोड़ा पानी लगा दिया इसमें ताकि ये खुले ना बंद होने के बाद। अब हम इसको बंद करेंगे, इसको अच्छे से बंद करना गाइस ताकि ये खुले ना, और जो साइड साइड से है एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर देना। ये गाइस हमने रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा। अब इसको खोलते हैं। ये देखिए गाइस, ये कुछ ऐसा गुजिया जैसा बन जाएगा। अब हम इसी तरह
थोड़े और बना लेंगे। ये गाइस हमने बना के रख लिए, थोड़े केला रख लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी रखेंगे। उसके ऊपर अगर आपके पास ऐसा छेद वाला बर्तन है तो उसको डालेंगे, फिर थोड़ा घास डाल देंगे नीचे, ताकि जो हमने बनाया है मोल्ड वो नीचे चिपके ना। नींबू के पत्ते का भी इस्तेमाल किया, इससे दो काम होगा, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे मेडिकल फायदे भी हैं इसके। इसके सारे पत्ते हम ऐसे निकाल निकाल के रख देंगे। नींबू के पत्तों के बहुत सारे मेडिकल फायदे हैं गाइस। हमने गाइस नींबू के पत्ते रख दिए, चारों तरफ फैला दिया हमने। हम इसके ऊपर जो हमने बनाया था गुजिया जैसा मोल्ड वो रख देंगे। ये रख दिया गाइस, जब हम इसको ढक देंगे करीब करीब 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो गाइस ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये हमारी आज की रेसिपी, एकदम हेल्दी रेसिपी।